सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स, आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत अपने तत्वमसी में। नमन करते हैं हमारा बिलाउड चैनल पिरामिड मेडिटेशन चैनल को। इसका आयोजन करके धरती पर भेजा हुआ परम गुरुमंडल को और धर्म देवता को यानी शंबाला को, कॉस्मिक गवर्नमेंट को, कॉस्मिक गवर्नमेंट के शंबाला के और धरती के बीच में माध्यम बने हुए पिता महाब्रह्मर्षि पत्री जी को। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सुंदर तरीके से हम सब अपनी भौतिक जीवन जीते हुए मध्य मार्ग की रास्ता को पकड़कर इधर मेटीरियलिस्टिक लाइफ, उधर स्पिरिचुअल लाइफ यानी भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन का मध्य मार्ग को पकड़ के आगे बढ़ रहे। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का मूल उद्देश्य अहिंसा शाकाहार पिरामिड, मैत्री ध्यान जगत, उस महासंकल्प को पूर्ण करने हेतु हम सब उसी के अनुसार सीखते हुए सिखाते हुए आगे बढ़ रहे। ध्यान करते हुए ध्यान प्रचार करने वाले आप सभी को भी नमन माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को और उन्नत लेवल तक ले जाने के लिए ही ये सारे हाई फ्रीक्वेंसी की प्रोग्राम्स आपके लिए आयोजन किया गया है। स्वागत सुस्वागत, अपने आप को बोल के बैठिएगा। तत्वमसी की संपूर्ण चेतना के साथ हम एक है, इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ एक होकर पूर्णात्मा के साथ जुड़कर बैठे हैं। इसी अवेयरनेस के साथ पूरा 1.5 घंटा और ऐसा जगह बैठिए जहां से उठने की जरूरत ही ना पड़े, जहां पर आप आराम कर सके। प्रोग्राम के बाद आप वहीं पर आराम कर सके, उसके हिसाब से बैठिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में हम पिछले 2 एपिसोड से 12 एनर्जी सेंटर्स ऊर्जा के केंद्रों के बारे में जानते हुए आ रहे हैं। जो भौतिक शरीर दिख रहा है, इस भौतिक शरीर की अंदर 7, इस भौतिक शरीर की बाहर चैनल में 5, टोटल 12 एनर्जी सेंटर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उन्हीं को हम चक्रास बोलते हैं। उसके इंपॉर्टेंट महत्व क्या है समझ रहे थे हम। आज हम आउट ऑफ बॉडी 5 एनर्जी सेंटर्स, उसमें आई एम प्रेजेंस, आई एम प्रेजेंस, आई ए पी, हायर सेल्फ HS, इनके बारे में जानकारी लेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब ये 12 एनर्जी सेंटर्स को उस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि उन्नत तल से जो चेतना आकर इस भौतिक शरीर में जन्म लेते हुए ह्यूमन फॉर्म में उतरकर अब वो अपने साथ, अपने असली सत्य के साथ, ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहते हुए और वो हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस से गाइडेंस लेते हुए इस 5th डायमेंशनल फील्ड में पूरा अपना एक्सपीरियंस भी कर सके, इस अनुभव के द्वारा ज्ञान भी ले सके, ज्ञान लेते हुए आत्मा अपनी प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ सके। मेन उद्देश्य ये था दोस्तों।
अब ये जो चेतना पांचवी तल की शरीर में उतरा हुआ ये जो चेतना डेंस बॉडी में है, फिफ्थ से ऊपर की जो डायमेंशंस वो सब डेंसिटी कम वाले, उससे कंपैरेटिवली फिफ्थ डायमेंशन भी डेंसिफाइड है। उस फॉर्म में अब ये डेंसिफाइड फॉर्म में भी बैठी हुई है और चारों ओर की जो फील्ड फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड वो भी डेंसिफाइड फील्ड है। दोस्तों जैसा जैसा वो चेतना फिफ्थ डायमेंशनल ह्यूमन फॉर्म में उतरती है तो यहाँ उतरने के बाद यही अपना दुनिया समझ के बैठ जाती है। हम यही तो कर रहे हैं, ये ड्रामा निभाने के लिए हम धरती पर उतरे, इस बॉडी में उतरे, बट इसी को ही हम अपनी सत्य मानकर बैठे, इसी को ही हम अपनी रियलिटी समझकर इसी में खो गए। तो ये पहले से ही पता था गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को ऐसा ही होगा। जिस फॉर्म में, जिस फील्ड में ये चेतना उतर जाती है उसी को सत्य मानकर उसी में खो जाएगी। ऐसा खोना नहीं, उसका एक कनेक्टिविटी बना के रख ले। उस कनेक्टिविटी के लिए ही जितनी देर ये जन्म का रोल निभा रहे हैं फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड में, उस समय भी यहाँ की रोल निभाते हुए भी ये कनेक्टिविटी बना के रख सके, इसीलिए ह्यूमन बॉडी के अंदर 7 बाहर 5 सेंटर्स को डिजाइन किया गया है। अब इसमें से आई एम प्रेजेंस आउट ऑफ जो 5 है उसमें से आई एम प्रेजेंस एंड हायर सेल्फ, इनको ये जो है वो असिस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे उस चेतना को, ताकि वो अपनी फ्रीक्वेंसी को, इनके द्वारा अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड रहते हुए इस फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड में अपनी खेल खेल सकें। राइट, यस माय डियर फ्रेंड्स। अब ये जन्म लेने के बाद यहाँ पर उस उन्नत तल की चेतना 2 लेवल पर स्प्लिट हो गई। वो 2 लेवल वो ही जिसकी बारे में हम बात कर रहे थे, आई एम प्रेजेंस एंड हायर सेल्फ। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये एक यूनिक कंस्ट्रक्शंस है, एक डिफरेंट लेवल का, डिफरेंट स्थिति में रहते हुए डिफरेंट लेवल की सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों इसमें ये जो आई एम प्रेजेंस एंड HS हायर सेल्फ, इस उन्नत तल की चेतना जो उतरी है लोअर फ्रीक्वेंसी में, उस लोअर फ्रीक्वेंसी में बिठाना भी तो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये बार बार बॉडी से निकल जाएगी। लोअर फ्रीक्वेंसी में बिठाना भी उतना ही चैलेंजिंग है दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी चेतना को। पितामह ब्रह्मर्षि पत्रिजी के बारे में भी कहीं लोगों को समझ में नहीं आया। जब अपने आप को हर एक इंसान समझ के बैठ जाते, मैं औरत, मैं आदमी, मेरा तेरा के इस कंपैरिजन में जिएंगे तो कहां से समझेंगे पितामह ब्रह्मर्षि पत्रिजी को। तो उनकी बॉडी में 2022 में पिरामिड वैली में हमारे पिरामिड मास्टर्स में से एक दोस्त के साथ पितामह ने शेयर किया, अब समय आ गया है, अब मैं महाशून्य की ओर जा रहा हूं। इसमें कितनी बड़ी बात छुपी हुई है, कितने लोगों को ये बात समझ में आएगा दोस्तों। यानी उनकी अब ये बॉडी में बैठा हुआ चेतना
अब वो इतनी लोअर फ्रीक्वेंसी में अब और बैठ नहीं पा रही थी। लोअर फ्रीक्वेंसी में बिठाने के लिए उन्होंने जो जन्म लिया, इस बॉडी में एक कनेक्शन भी तो बना के रखना पड़ेगा, लेकिन उनकी चेतना इतना प्रकाशवान हो गई ये फिफ्थ डायमेंशनल, फोर्थ डायमेंशनल, थर्ड डायमेंशनल बॉडी में, सेल्स में, एक एक सेल में उनकी कनेक्टिविटी भी, वो प्रकाश अब नहीं बैठ पाती। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब उनकी प्रकाश अनंत तत्व में एक हो गए, परमात्मा तत्व में एक हो गए, इतना लाइट हो गए इस बॉडी में, अब वो लाइट और नहीं। इसलिए भौतिक शरीर छोड़कर एनर्जी लाइट बॉडी में हेडक्वार्टर्स में बैठे और बिलाउड फ्रेंड पितामह, वहां से उनकी चेतना को हम सब के साथ जोड़ दिया। यहाँ पर बहुत सुंदर पॉइंट समझने के लिए सारे पिरामिड मास्टर्स को, अपनी चेतना तो है अपनी बॉडीज में, उसके साथ साथ पितामह अपनी चेतना का भी प्रकाश को हर एक पिरामिड मास्टर के साथ जोड़ने से, इसलिए उसके बाद देखिए सभी कैसा सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ा रहे इस यज्ञ को। अब हम पॉइंट पर आते हैं, आकर ऐसा ही हमारे हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस लोअर फ्रीक्वेंसी में स्टे करना, रहना भी इम्पॉर्टेंट है, तभी हम इस भौतिक प्रपंच में कुछ कर पाएंगे, हमारे द्वारा उतरने वाली प्रकाश को फैला पाएंगे। इसके लिए एक और एग्जाम्पल, 2000 में ऐसा एक बात आई कि ये धरती दिसंबर 21 को फट जाएगी, खत्म हो जाएगी, अंत हो जाएगी करके। यस, लाइट मास्टर्स जो हायर डायमेंशन से उतरा हुआ सारे लाइट मास्टर्स ग्रुप्स बनकर ध्यान कर उनके द्वारा प्रकाश को उतार कर इस धरती को भी बचाया है। ये सब बात आपको इंटरकनेक्टेड फील कर पाओगे जितना जितना आप बातों को गहराई से समझ पाएंगे। इसलिए आपको ये बात भी समझना जरूरी है, इस भौतिक शरीर में बैठना भी एक चैलेंजिंग है, इम्पॉर्टेंट है, ग्राउंडिंग रहते हुए भौतिक लेवल का काम करना भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो उसके लिए हम इस भौतिक शरीर में स्थित एनर्जी सेंटर्स को, ये 7 और ये 5 किस कहां बैठे हुए, ये पूरा एनर्जी चैनल जिसके बारे में हम पिछले एपिसोड्स में बात किए थे, उस एनर्जी चैनल में हम इन एनर्जी सेंटर्स को बिठाया है। अब आई एम प्रेजेंस को हम 10th, 11th, 12th एनर्जी सेंटर्स में बिठाया है। हमारा जो 12 में से 10वीं, 11वीं और 12वीं एनर्जी सेंटर्स में आई एम प्रेजेंस रहती है, वो इस तीनों सेंटर्स के द्वारा इस ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ क्वांटम फील्ड को जोड़ देती है। ये आई एम प्रेजेंस 10th, 11th, 12th, 10वीं, 11वीं, 12वीं चक्रास में बैठकर 10th, 11th, 12th डायमेंशनल फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपका ही एनर्जी चैनल में रहने वाली आपका ही चक्र, 10th चक्र, 11th चक्र, 12th चक्र, 10वीं, 11वीं, 12वीं आपकी अस्तित्व की इस एनर्जी चैनल में रहते हुए वो 10वीं, 11वीं, 12वीं डायमेंशन के साथ कनेक्टेड रहती है।
उसको रिप्रेजेंट करती है, उसके साथ आपको जोड़ के रखती है। माय डियर फ्रेंड्स, इस आई एम प्रेजेंस का मेन काम ये है। उस आई एम प्रेजेंस के नीचे क्या है? ये बॉडी, इस बॉडी में भी तो वो ही चेतना है, ऊपर भी वो ही चेतना है। ऊपर की चेतना शक्ति में से कुछ हिस्सा इस बॉडी में उतरी और इस डायमेंशनल फील्ड में, फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड यानी यहाँ पर ये खेल की मैदान में कुछ साल खेलने के लिए आई। तो खेलने के लिए जो अनुभव ले रही है इस खेल के साथ, सोर्स को, इन दोनों को कनेक्टेड रखने का काम करती है, ताकि ये फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड में उतरने के बाद ये ही मेरा सत्य समझकर खो ना जाए। ये इस कनेक्टिविटी के साथ रहते हुए ये आराम से उसी रियलाइजेशन के साथ अपनी दिनचर्या में ये अनुभव हर परिस्थिति में, हर अप एंड डाउन्स में, इस याददाश्त के साथ, इस रिमेम्बरेंस के साथ इस कनेक्टिविटी को बना के रख सके सोर्स के साथ। सोर्स यानी मूल चेतना, जिस मूल चेतना से पूरा सृष्टि की जन्म हुआ है, उसी को हम आदि पराशक्ति भी बोलते, उसी को हम परमात्मा भी बोलते, सोर्स एनर्जी बोलते, मूल चेतना बोलते। बात एक ही है दोस्तों, एक ही स्पिरिट बहुत सारे सोल्स में स्प्लिट हुआ है। अब वो सारे बहुत सारे सोल्स अलग अलग जगह पर अपनी अपनी आत्मा, आत्मा यानी चेतना शक्ति, अपनी अपनी चेतना शक्ति की कुछ परसेंटेज धरती पर, कुछ परसेंटेज आर्कटूरस पर, कुछ परसेंटेज प्लेडियस पर, सीरियंस, अलग अलग गैलेक्सीज में अलग अलग जगह पर उतारते हुए हर जगह पर वो ही सोल्स अनुभव कर रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, हृदय से सुनने का आदत डालिए, माइंड से, इस एस्पेशली 3D 4D वाली इस लॉजिकल ह्यूमन माइंड के लिए ये नहीं समझ में आएगा। उस माइंड को ड्रॉप करके हृदय से तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर समझ लीजिए। हृदय से आप सब कुछ जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस, अब नेक्स्ट, आई एम प्रेजेंस के बारे में तो समझ में आ गया। यस, नेक्स्ट HS, हायर सेल्फ। हायर सेल्फ जो है अपने रोल निभा रही है, उसका डायरेक्ट रोल है ये 5D ह्यूमन लाइफ में नेविगेशन के लिए डिजाइन किया गया है दोस्तों, ताकि ये फिजिकल फॉर्म में रहते हुए फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड में जो भी अनुभव ले रही है, ये ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए औरत की शरीर में, आदमी की शरीर में, पूरा दिन भर जो भी हम अनुभव लेते हैं, उस अनुभवों के साथ इसकी कनेक्शन डायरेक्ट है। हाँ, इस बात को ना जानते हुए सबकी सब खो गए। कहाँ खो गए? माइंड लेवल पर खो गए। ऑफिस में डायरेक्टर सर्वेंट बनकर खो गए, अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे। एग्जैक्टली, सुबह से शाम तक आप जो भी काम कर रहे हैं, हर एक काम के साथ आपकी हायर सेल्फ जुड़ी हुई है। हायर सेल्फ यानी पूर्ण आत्मा, वो जुड़ी हुई है, उसका आप नहीं सुन रहे हो। आप माइंड लेवल पर
सीमित बुद्धि के लेवल पर खो जाते हैं, वो पूर्णात्मा की गलती नहीं है और आपका भी कोई गलती नहीं। समय आ गया तो अब हम सब मिलकर जाग रहे। जागने की समय पर और सोना गलती है दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हायर सेल्फ अब इस एट्थ यानी भौतिक शरीर में कितना एनर्जी सेंटर्स है, 7, जिसको सातवी को हम सहस्रार स्थिति बोलते हैं, इसकी 10 इंच के ऊपर 8वीं चक्र जो होते हैं उसमें उसके साथ ये कनेक्टेड रहती है हमारा हायर सेल्फ। अब कनेक्टेड रहते हुए 6th, 7th, 8th डायमेंशनल फील्ड के साथ हम लोगों को जोड़ के रखती है। आई एम प्रेजेंस किसमें था, 10th, 11th, 12th, 10वीं, 11वीं, 12वीं चक्र में रहते हुए 10, 11, 12 डायमेंशनल फील्ड के साथ हम लोगों को जोड़ के रखे। एट द सेम टाइम 6th आज्ञा सहस्रार एंड 8वीं, इन तीनों चक्रास का कनेक्शन हमारा हायर सेल्फ के साथ बनी हुई रहती है और इन तीनों के साथ हमारे पूर्णात्मा हमारे अंदर जुड़ी हुई रहती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां पर इसमें ऐसा रखने की जरूरत क्या है ताकि ये हर दिन हर समय पर हर अप एंड डाउन्स में ये पूर्णात्मा की गाइडेंस लेकर उस गाइडेंस के अनुसार चलने से ये जो यात्रा सहज रहेगा, सिंपल और सरल रहेगा, एक बोझ बर्डन जैसा नहीं लगेगा, एक अकेलापन नहीं लगेगा, एक सोर्स के साथ कनेक्टिविटी फील होगा, तब ये एंजॉय कर सकते हैं इस जर्नी को। उसी मकसद से ही 6th, 7th, 8th चक्रास के साथ आपकी पूर्णात्मा जुड़ी हुई है दोस्तों। और इस पूर्णात्मा की खूबी ये है, आप हम सब एवरीडे जिसकी बारे में बात करते हैं, ब्लूप्रिंट यानी सोल प्लानिंग, जिस आत्मा प्रणालिका के साथ हम इस धरती पर उतरे, उस ब्लूप्रिंट को होल्ड करके रखने वाली है हमारे पूर्णात्मा। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब ये ब्लूप्रिंट हमारे 6th चक्र के साथ, 7th चक्र के साथ, इसके ऊपर 8वीं चक्र के साथ, इन तीनों चक्रों के साथ हमारे ब्लूप्रिंट कनेक्टेड रहती है। यानी आप जिस उद्देश्य के लिए ये जीवन लिया है, जिस उद्देश्य के लिए ये औरत की बॉडी में, इस आदमी की बॉडी में, कोई यूपी में, कोई बिहार में, कोई आंध्रा में, कोई तेलंगाना में, अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग रिलीजियंस में, अलग अलग फैमिलीज में जन्म लिया है, इस वो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट मकसद से ही आप जन्म लिया है। आप ना ही किसी से बड़े, ना ही किसी से छोटे, हो सकते गरीबी की फैमिली में हो सकते अमीर की फैमिली में हो, आप सब हम सब इक्वल है। सीखने के लिए हमें जो फैमिली सूट करती है उसके अकॉर्डिंगली हम उतरे हैं, अदरवाइज हम सब बराबर है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब ब्लूप्रिंट हमारा उद्देश्य तब नॉक हो जाएगा जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान लेना शुरू करेंगे, दिव्य चक्षु को खोलेंगे। दिव्य चक्षु सभी के पास, थर्ड आई,
जब दिव्य चक्षु आपके मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, सिक्स्थ चक्र आपके आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, तब आपको बिग पिक्चर दिखना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज तब तक दोनों चर्म चक्षु के द्वारा आप सीमित मन, सीमित बुद्धि में खोया हुआ अपने आप को इंसान समझकर इंसान की तरह इसी बाउंड्रीज में जीवन जी रहे होते। यही मेरा परिवार, इस चार मेंबर्स परिवार में स्थित चार मेंबर्स के लिए ही पूरा जिंदगी में जो कीमती ऊर्जा को वेस्ट कर रहे होते, कीमती समय को वेस्ट कर रहे होते, अब आत्मा हूं करके समझ ही नहीं पाते। ध्यान करके स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करने से ही आपको आपके सत्य कनेक्ट हो जाएंगे। सिक्स्थ चक्र के द्वारा आपको बिग पिक्चर दिखना शुरू हो जाएगी। तब मैं क्यों जुड़ी हूँ PSSM, कौन है ये पिरामिड मास्टर्स की संघा और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मेरा जीवन की उद्देश्य क्या है, ध्यान करना, ध्यान सिखाना, पिरामिड्स बनाना, अहिंसा शाकाहार पिरामिड मैत्री ध्यान जगत स्थापना के लिए समुन्द्र में बूंद की तरह मैं भी अपनी रोल निभाना है। ये बात, ये बिग पिक्चर हम समझ पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। यस, अब ये क्योंकि आपकी पूर्णात्मा ये सारे बातें जानती है, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी पूर्णात्मा के साथ बनेगा तभी तो उस अवेयरनेस के साथ जीवन जीना शुरू करोगे ना। ये कनेक्टिविटी कब बनेगा? ध्यान करने से बनेगा दोस्तों। आपकी एनर्जी बढ़ने से, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से ये अवेयरनेस बढ़ेगा। और इस ह्यूमन फॉर्म में मेरा रोल क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, उसको समझ जाओगे। अदरवाइज आप कभी किसी ने कुछ बोल दिया उसको फॉलो किया, कभी इन्होंने कुछ बोल दिया फॉलो किया, कभी इन्होंने रुलाया रोया, कभी किसी ने हंसाया हंसा। कहाँ हो आप? आप कहीं भी नहीं हो, खो जाओगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए हर एक तक ध्यान पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए समय के अनुसार PMC हिंदी को उतारा गया ताकि हर एक इंसान तक ये ध्यान की समाचार पहुंच जाए। जो डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी अपनी पूर्णात्मा के साथ, ये इंसान गुलामी में खो गया था, उस गुलामी से मुक्ति दिलाकर शांति से उसको दोबारा कनेक्टिविटी दिलाकर पूर्णात्मा के साथ उस अवेयरनेस के साथ सहजता में वो अपनी जिंदगी जी सके। पूरा धरती पर जितनी समय पर वो 10 साल जी रहा हो, 20 साल जी रहा हो, कितना जन्म ले रहा हो, 10 जन्म, 20 जन्म, 30 जन्म, 40, 50, तब तक इस धरती पर जितना भी जर्नी है उसकी पूरा एक्सपेरिमेंट को फिर वो एंटायर क्वांटम फील्ड के साथ ये 6, 7, 8 चक्रास यानी आपकी पूर्णात्मा आपका यानी लोअर सेल्फ का क्वांटम फील्ड का बीच में एक ब्रिज बनकर बैठी हुई है। आपकी जो हायर सेल्फ, इधर लोअर सेल्फ यानी भौतिक शरीर, उधर क्वांटम फील्ड यानी पूरा ब्रह्मांड के साथ बीच में कनेक्टिविटी बनकर बैठी हुई है माय डियर फ्रेंड्स। अब ये 5th dimensional फील्ड में, इस मैदान में ये बॉडी यानी ये ह्यूमन, उसकी जीवन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इस
का पूरा ध्यान रखती है। इसलिए उन्नत चेतना की इस भौतिक शरीर के अंदर हायर कॉन्शियसनेस की आंख बोला जाता है, एक नजर रखती है आपकी पूर्ण आत्मा आपके ऊपर, क्या क्या हरकतें आप कर रहे हो। आपकी पूर्ण आत्मा आपके ऊपर एक नजर रखी हुई है दोस्तों। निश्चिंत रहकर आप आगे बढ़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी पूर्ण आत्मा इधर डेंसर फील्ड में भी उतर सकती है, देख सकती है। आई एम प्रेजेंस जो है 10th 11th 12th में वो डेंसर फील्ड में नहीं उतर सकती, इसलिए वो पूर्ण आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। यानी 10th 11th 12th इसमें आई एम प्रेजेंस वो डायरेक्ट फिजिकल बॉडी के साथ नहीं जुड़ी, फिजिकल बॉडी की इनके बीच में 6th 7th 8th चक्रास यानी हायर सेल्फ भी है। फिजिकल बॉडी की आई एम प्रेजेंस के बीच में आपकी हायर सेल्फ पूर्णात्मा है। ये जो पूर्णात्मा ये डेंसर फील्ड में यानी भौतिक शरीर में क्या हो रहा है इसको देखते हुए, इस इंफॉर्मेशन को फिर आई एम प्रेजेंस को देते हुए पूरा क्वांटम फील्ड के साथ कनेक्टेड रहती है। कुल मिलाकर इस इंसान को अपनी भीतर की भगवत्ता को पकड़ के रखकर हे तुम भगवान हो खोना नहीं याद दिलाते हुए परमात्मा की प्रतिबिंब हो इसकी होश में रखती है। इतना बड़ा रोल है दोस्तों हमारे परम पूर्णात्मा का। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए वो हर पल हमें इस डेंसर फील्ड में भी गाइड कर पाती है। ऑलरेडी ध्यान की एनर्जी उतर गए हैं दोस्तों, अब धीरे धीरे आप बंद आंखों से अपनी भौतिक शरीर को एकदम फ्री छोड़ दीजिए। ऑलरेडी आप सब भी हायर एनर्जीज को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखकर जिस जगह पर आपको सोना है उसी जगह पर आप ध्यान में बैठ जाइए, किनारे में ना बैठे। आपकी पूर्ण आत्मा फिजिकल फॉर्म नहीं है दोस्तों, एनर्जी फॉर्म है, वो एनर्जेटिक है, लेकिन इंटरनली इस फिजिकल फॉर्म को गाइड करती है, इसलिए हम इनर वॉइस बोलते। इस एनर्जी फील्ड के द्वारा चारों ओर से आने वाली हर तरह की मैसेज को फिल्टर कर आपको अपने साथ जोड़ने का मैसेज मात्र ही आप तक पहुंचाती है ये पूर्णात्मा। यानी आपको अच्छा बुरा की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये गाइडेंस देती रहती है, बस आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो ये प्रश्न अपने आप से कर, हो जाएगा सब, निश्चिंत रहो, चिंता ना करो। सुनने के लिए जिस स्थिति की जरूरत है उस स्थिति को मैं आह्वान कर ध्यान में बैठ रही हूं बैठ रहा हूं बोल दीजिए अपने आप को। शांति, शांति।
भौतिक लेवल के डेंसिटी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, पैर के तलवों से लेके सिर तक पूर्ण रूप से ढीला छोड़कर अपने आप को बोल दीजिएगा, मैं अपनी छठवीं, सिक्स्थ, सातवीं, सेवेंथ, आठवीं, एट्थ एनर्जी सेंटर्स के द्वारा, ऊर्जा की केंद्रों के द्वारा अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़ी हुई हूं। अपनी पूर्णात्मा के साथ पूर्ण रूप से कनेक्टेड हूं। अपनी हर एक सांस को गौर से देखिएगा। आपके आज्ञा चक्र सहस्रार की ऊपर 10 इंच के ऊपर आठवीं चक्र, सोल स्टार चक्र भी बोलते हैं उसको, इन तीनों के साथ आपके भौतिक शरीर जुड़ी हुई है। शांति से भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांसों को गौर से देखिए। सांसों के साथ एक होते जाइए। ऑलरेडी सांसों की बियॉन्ड शून्यता में जा चुके हैं, तो आपको वापस सांसों में आने की जरूरत नहीं। यदि सोच विचार चल रहा हो तब सांसों को पकड़ लीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। आपकी पूर्णात्मा आपके लिए कुछ संदेश लेकर आई है। हर पल आपको इनर वॉइस के द्वारा इनर गाइडेंस देती रहती है। आपकी हरेक काम आपकी पूर्णात्मा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा छोटा सा बच्चा का हरेक काम माँ बाप के लिए महत्वपूर्ण,
उतना ध्यान रखा जाता है आपको? अपने आप को आप जज करते हैं, अपने ऊपर कंप्लेंट्स, गिल्टी फील रखते हैं आप। आपकी पूर्ण आत्मा ये सब चीज नहीं करती आपके साथ। आपकी पूर्ण आत्मा के लिए आप एक सोना बाबू है, छोटा सा नुन्ना सा प्यारा सा बच्चा है। हर एक सांस के साथ आपके माथे पर ध्यान दीजिए, आज्ञा चक्र पर। आपके सिर के मध्य भाग में, मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड, आपकी तड़े आज्ञा सिक्स्थ चक्र के साथ जुड़ी हुई है। अपनी हर एक सांस के द्वारा आप अपने सिर के मध्य भाग पर मस्तिष्क के हल्का सा पीछे की ओर, गर्दन के ऊपर पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होते हुए आपकी पूर्णात्मा की संदेशा, आपकी ब्लूप्रिंट के साथ जुड़ी हुई रहस्य इस जीवन के उद्देश्य को जगा रही है। आपके सिर के मध्य भाग पर एक्टिवेशन चल रहा है। आप हर एक सांस के साथ ही जुड़े रहते हुए, आपकी हर एक सांस सिर की मध्य भाग पर कनेक्ट होते हुए वहां की पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होते हुए प्रकाशवान होते हुए महसूस करिएगा। आज्ञा चक्र दिव्य प्रकाश के साथ, किस चीज का है वो दिव्य प्रकाश? आपका ही उन्नत तल की चेतना, यानी आपका ही हायर सेल्फ का, पूर्णात्मा का प्रकाश। क्यों उसकी प्रकाश ज्यादा है? क्योंकि वो एकता में रहती है, प्रेम और करुणा के स्वभाव में रहती है, इसलिए उसकी प्रकाश ज्यादा है। ये भौतिक शरीर डेंसर फील्ड में रहती है, इसलिए यहां पर प्रकाश कम है। उस प्रकाश को
इस भौतिक शरीर में उतारने वाले आपके पूर्णात्मा, जितना प्रकाश उतरेगा उतना भौतिक जीवन में डेंसिटी ड्यूएलिटी गलता रहेगा। आप भी अपने सत्य के साथ जुड़कर जीवन जी पाएंगे। आपकी हर एक सांस के साथ सिर के मध्य भाग में नाक के पीछे मस्तिष्क के नीचे पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होते हुए वहां से एक्टिवेशन की वाइब्रेशन आपकी माथे पर प्रकट हो रहा है, व्यक्त हो रहा है। फोरहेड के ऊपर वाइब्रेशन, अवेयर रहिएगा दोस्तों। इस एक्टिवेशन की वाइब्रेशन को ये पीनियल ग्लैंड सारे ग्रंथियों तक भेज रही है। पूरा बॉडी में स्थित सारे ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उन सभी की बीच में एक कनेक्टिविटी बनी हुई है। उसी को सिस्टम बोलते हैं। उस सिस्टम के द्वारा पीनियल ग्लैंड की एक्टिवेशन की वाइब्रेशन पूरा भौतिक शरीर में व्याप्त होते हुए विस्तार होते हुए सारे ग्रंथियों को भी दिव्य प्रकाश के प्रति जागृत कर रहे हैं। वो ग्रंथियां ह्यूमन लेवल पर खोए हुए थे, उनकी काम भी ह्यूमन लेवल तक सीमित था। अब उन सारे सीमाओं को पार कर भौतिक शरीर की ग्रंथियां दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ गए हैं। उसके अनुसार समाचार को स्वीकार कर रहे हैं, यानी डिवाइन विजडम ज्ञान को ले भी रहे हैं। उनकी सीक्रेशंस के द्वारा हर कण तक भेज भी रहे हैं। होश पूर्वक पूर्णात्मा के प्रकाश पीनियल ग्लैंड
के द्वारा भौतिक शरीर में उतरते हुए शरीर के सारे ग्रंथियों के द्वारा जागृति उस जागृत प्रकाश को कण कण तक भेज रही है, सिर से लेके पैर की तलवों तक हर अंग में हर सिस्टम में हर कण तक ये वाइब्रेशन फील हो रहा है आपको। आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पुनर्उत्पत्ति वाले व्यवस्था उसकी सारे अंग नाभि के नीचे सारे ग्लैंड्स तरह तरह की हार्मोन्स को रिलीज करने वाले ग्रंथियां पीनियल ग्लैंड के साथ कनेक्ट होकर पीनियल ग्लैंड क्या बोल रही है, कौन सी समाचार को लेते हुए दे रही है, ये ग्रंथियां उसको स्वीकार करते हुए सीक्रेशंस के द्वारा उस समाचार भरा हुआ हार्मोन्स को रिलीज करते हुए हरेक अंग में हरेक कण में उसकी जागृति होते हुए आपके द्वारा उत्पन्न होने वाले नेक्स्ट जनरेशन में ये जागृति के सात जन्म इनकार्नेशन होगी। उस सीक्रेशंस के द्वारा उस ओवरीज स्पर्म के द्वारा जो बच्चा जन्म लेगा पैदाइश उसी जागृति के साथ ही जन्म लेगा। मैं आत्मा हूं इस बोध के साथ आत्मज्ञान के साथ मैं परिपूर्ण स्त्री तत्व भी हूँ, मैं परिपूर्ण पुरुष तत्व भी हूँ, ना ही औरत ना ही आदमी, दिव्य आत्मा हूँ, अर्धनारीश्वर हूँ। इस जागृति के साथ जन्म लेकर इस जागृति के साथ जीवन जीते हुए उधर आदमी के साथ इधर औरत के साथ भी मैत्री भाव को बनाकर प्रकाश में जिंदगी जिएगा।
सहजता में अपने ऊर्जा की प्रकाश को बहने देगा। उड़ता हुआ तितली की तरह जीवन जिएगा। हमारा ये जागृति नेक्स्ट जनरेशन के लिए तोहफा होगा। आपके परिपूर्ण अस्तित्व में होश पूर्वक देखिएगा, सारे हार्मोन्स दिव्य प्रकाश के द्वारा ही रिलीज हो रहे हैं। सारे ग्रंथियां दिव्य प्रकाश को ही सीक्रेशंस के द्वारा व्याप्त कर रहे हैं। पैर के तलवों से लेकर पिंडलियां, घुटने, थायरीजियन प्रकाश ही प्रकाश, वहां स्थित हड्डियां, नर्वस सिस्टम, नाड़ी मंडल एनर्जी बॉडी में होते हैं। ब्लड वेजल्स जिसमें खून बहती है, सॉफ्ट टिश्यूज, लिगामेंट्स, सब कुछ, कण कण में पूर्णात्मा की प्रकाश भर रही है। आपकी इस भौतिक शरीर में इन यांग एनर्जीज बैलेंस हो रहे हैं। इड़ा पिंगला नाड़ियां सुषुम्ना के साथ जुड़ रहे हैं। सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र के साथ जुड़ी हुई है। ब्रह्मरंध्र सहस्रार के साथ जुड़ी हुई है। सहस्रार आज्ञा के साथ जुड़ी हुई है। सहस्रार आठवीं चक्र के साथ जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर आठवीं चक्र नौवीं के साथ, नौवीं चक्र दसवीं के साथ, दसवीं चक्र ग्यारहवीं, बारहवीं,
शांति से अवेयरनेस एनर्जी को स्वीकार करिए दोस्तों। अवेयर रहिए, कॉन्शियस रहते हुए अपनी कनेक्टिविटी को फील करिए। अब आपकी भौतिक शरीर पूर्णात्मा के साथ भी जुड़ी हुई है। पूर्णात्मा आई एम प्रेजेंस के साथ भी जुड़ी हुई है। धीरे धीरे अपनी हर एक सांस के द्वारा बंद करना वो वाला स्विच। यस बाबा, कैंपर है, हो जाएगा ठीक। धीरे धीरे हर एक सांस के साथ अपनी मूलाधार को पहचानिए। आपकी रीढ़ की हड्डी की सबसे नीचे जहां पर आपकी आसन धरती से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है एनस के पास, मूलाधार अपनी हर एक सांस के साथ लोअर एब्डोमिन नाभि की नीचे स्वादिष्ठान, मूलाधार स्वादिष्ठान एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इस एनर्जी चैनल में, एतरिक बॉडी में आप महसूस कर पा रहे हैं। धीरे धीरे अपनी हर एक सांस के साथ मणिपूरक में जाइए, पेट नाभि के पास। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए महसूस करें। अवेयरनेस के साथ अपने हर एक सांस को गौर से देखिए। उन सांसों के साथ अनाहत के साथ जुड़ जाइए। छाती के मध्य भाग पर इसी अवेयरनेस के साथ मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उस कनेक्टिविटी को फील करिए। हर एक सांस के साथ गले के पास थ्रोट चक्र विशुद्धा, ये विशुद्धा नीचे के
चार चक्रास के साथ जुड़ी हुई है। अनाहत मणिपूरक स्वादिष्ठान मूलाधार। अपने सांसों के साथ जुड़कर सिर के मध्य भाग में पीनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिवेशन को पहचानिए, उसकी वाइब्रेशन को देखिए। आज्ञा चक्र आपके दोनों चर्म चक्षु के अंदर की ओर, उन दोनों की पीछे की ओर, फोरहेड के अंदर आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र नीचे की पांच चक्रास को अपने साथ जोड़ रही है। दिव्य चक्षु पांच चक्रास को अपने साथ जोड़ रही है, यानी थर्ड आई के प्रकाश नीचे की ओर प्रसरित हो रहा है। सिक्स्थ चक्र थर्ड आई आज्ञा चक्र के प्रकाश विशुद्धा को भी पहुंच रहा है, उसके नीचे अनाहत को भी मिल रहा है, उसके नीचे मणिपूरक को भी मिल रहा है, उसके नीचे स्वादिष्ठान को भी मिल रहा है, उसके नीचे मूलाधार को भी मिल रहा है। धीरे धीरे आपकी टेल बोन एक्सपैंड हो रहा है, रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला हिस्सा लंबा हो रहा है। आपकी दोनों टांगों में मूलाधार की ऊर्जा नीचे की ओर प्रसरित होते हुए उसके साथ साथ आज्ञा चक्र की पूर्णात्मा की प्रकाश भी मूलाधार की ऊर्जा के द्वारा उसके साथ साथ प्रसरित होते हुए दोनों टांगों में थायरीजियन में छोटा चक्रास में पहुंच रही है। घुटने में स्थित छोटे चक्रास में पहुंच रही है ये प्रकाश। पिंडलियों में स्थित छोटा चक्रास में पहुंच रही है ये प्रकाश। एड़ियों में स्थित चक्रास पैर के तलवों में मध्य भाग पर अर्थ चक्र तक पूर्णात्मा की प्रकाश आ गई। अर्थ चक्र के द्वारा धरती की कोर तक, धरती के अंदर तक आपकी कनेक्टिविटी बन रहा है। पैर के दोनों पैर के तलवों की सेंटर पॉइंट पे अर्थ चक्र एक्टिवेट हो रही है, वो प्रकाशवान हो गई है। उस प्रकाश की भीम रेखा
खंबा धरती के अंदर जा रही है, उस प्रकाश के साथ धरती की कोर से कनेक्ट फील कर रहे हो, धरती को नमन कर रहे हो, आपको धारण करके बैठी हुई है धरती माता। उस धरणी को धन्यवाद भाव के साथ मन ही मन नमन कर रहे हो। धरती के साथ आपकी कनेक्शन फील कर रहे हो। इस धरती पर जीवन जीने के लिए इस जन्म की दाता आपकी माता पिता को याद कर रहे हो। वो इस वक्त आपके सामने एस्ट्रल बॉडीज में खड़े हैं, उनकी पैर छूकर नमन कर रहे हो आप। धन्यवाद बोल रहे हो। वो जैसा भी है उनको वैसा ही आप स्वीकार कर रहे हो। उनको हर तरह की सपोर्ट देने के लिए तैयार हो गए हैं आप। धरती माता के साथ सुंदर सा कनेक्टिविटी इस धरती पर जीवन दाता आपकी माता पिता के साथ सुंदर सा कनेक्टिविटी, वो भौतिक शरीर में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको धन्यवाद बोलते हुए धरती की कोर के साथ कनेक्टिविटी को फील करते हुए पैर के तलवों का अर्थ चक्र को फील करते हुए एड़ियों के द्वारा, पिंडलियों के द्वारा, घुटने के द्वारा, जंघों के द्वारा आप अपने मूलाधार के साथ जुड़े हुए। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्धा आज्ञा सहस्रार के साथ जुड़े हुए हैं। सहस्रार उसके ऊपर सोल स्टार चक्र आठवीं, उसके ऊपर नौवीं के साथ जुड़े हुए, उसके ऊपर दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं के साथ जुड़े हुए, पूरा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक प्रकाश के खंभा के ये एनर्जी चैनल एक्टिवेटेड है। उसको फील करिएगा, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक। भौतिक शरीर में रहते हुए पूर्णात्मा की स्थिति को भी अपना लिया। आई एम प्रेजेंस, पूरा क्वांटम फील्ड के साथ एकता फील कर रहे हो।
आपके पूर्ण आत्मा के साथ साथ और पूर्ण आत्माओं के साथ भी एकता फील कर रहे हो। पूरा क्वांटम फील्ड के साथ एकता फील कर रहे हो। आप इस वक्त अपने अनंत तत्व में है। अनंत तत्व के जागृति में है आप। ब्रह्मांड के साथ एक है आप। पूरा ब्रह्मांड के साथ एक है आप। शांति से अपने हर एक सांस के साथ पूरा ब्रह्मांड के साथ एकता को फील करिए। शांति से बने रहिए। आखिरी 4 मिनट, लास्ट 4 मिनट्स आखिरी 3 मिनट, लास्ट 3 मिनट्स शांति से अब आप सोना चाहते हैं तो सो सकते हैं, ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बाहर आना चाहते हो तो आपके लिए 2 मिनट और।
कोशिश ये करिए तत्वमसी के बाद उठे ही ना, इसी ऊर्जा में इसी फ्रीक्वेंसी में बने रहने से बहुत सुंदर जागृति होगी, चेतना की विस्तार होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। लास्ट 1 मिनट, बंद आंखों से अपनी भौतिक शरीर को पहचानिए, उस जागृति के साथ पहचानिए, बारह चक्रास के साथ आपकी चैनल, एनर्जेटिक चैनल आपके साथ जुड़ी हुई है, उसके साथ आप ब्रह्मांड के साथ एक है। सिर, चेहरा, गर्दन, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, कंधे, दोनों हाथ, हथेलियां, छाती, पेट, पीठ, नाभि, लोअर एब्डोमेन, थायरीजियन, घुटने, पिंडलियां, तलवे, बिना रगड़ते हुए अपनी दोनों हथेलियों को तीनों आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, शोर। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइए दोस्तों। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। कोटि कोटि नमन पिता महाब्रह्मर्षि पत्री जी को, कोटि कोटि नमन इस ह्यूमैनिटी को जागृत करने के लिए हजारों सालों से इंतजार करने वाला शंबाला परम गुरु मंडल को, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट को, पिरामिड मास्टर्स को, अपने बिलाउड चैनल पीएमसी हिंदी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। पीएमसी